हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एप्पल खीर बनाएंगे। एप्पल खीर बनाने के लिए सबसे पहले दो सेब लेंगे और उन्हें छील लेंगे। सेब छिल चुके हैं, अब सेब को घिस लेंगे। सेब घिस चुके हैं, अब हम खीर की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई लेंगे और उसमें घिसे हुए सेब को डाल देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। सेब हल्के भून चुके हैं, अब हम इसमें एक कप चीनी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे हमें इसे अच्छे से सुखाना है। देखिए ये एकदम सूख चुका है, अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम दूध को उबाल लेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें दूध डालेंगे। इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। जब दूध हल्का गर्म हो जाए तब हम 2 चम्मच दूध को एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ केसर के रेशे डाल देंगे। हमने केसर के रेशे इसलिए डाले हैं ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब दूध को देख लेते हैं। ध्यान रहे हम दूध को तब तक उबालेंगे जब तक दूध आधा ना हो जाए। देखिए दूध अच्छे से उबलकर आधा हो चुका है। अब इसमें हम केसर वाला दूध डाल देंगे। देखिए इसमें हल्का सा कलर आ गया है। केसर ऑप्शनल है, आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ कटे हुए बादाम और इलायची पाउडर डालकर मिला लेंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। अब गैस बंद कर देंगे। अब हम दूध में भुने हुए सेब को डाल लेंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये तैयार है, आप चाहे तो इसे गर्म या ठंडा सर्व कर सकते हैं।
सेब की खीर बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।